स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म हिस्ट्री नेट जरिफ यूनिवर्सिटी। मैं इतिहास का दिन सैनी आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं फिर आप सबके लिए बहुत सारी बुक का रिव्यू करने वाला हूँ जो आपके रिसेंटली एग्जाम होने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जेआर। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं क्लास नोट्स की जो बुक्स आती हैं उस टाइप की बुक का रिव्यू कीजिए। इससे पहले हमने इस रिव्यू कर चुके हैं स्प्रिंग बोर्ड एकेडमिक आरएस के फाउंडेशन नोट्स आते हैं, इनके बारे में अच्छे से बताया, आप बात कर सकते हैं। तो मैंने आप सभी से कहा था कि हम इन दोनों का अच्छे से कंपेरेटिवली करेंगे और जानेंगे कैसे कैसे बेस्ट हो सकते हैं, क्या क्या कमियाँ और कौन सी बुक आपको परचेज करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं जिसकी पहली हेडिंग है प्राचीन भारत के इतिहास स्रोत, तो इसलिए आपको इसमें इस टाइप की हेडिंग नहीं मिलती प्राचीन भारत के इतिहास स्रोत में। इसमें आपको डायरेक्ट मिलता है प्रोटो हिस्ट्री सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसमें दो चैप्टर रह जाते हैं वो इसके अंदर दे रखे हैं, देख सकते हैं आप 1 से लेकर 10 तक इसमें चीज़ें कवर करी गई हैं। तो और वैसे भी देख सकते हैं लेकिन जो इसका मध्यकालीन भारत आप देख सकते हैं वो भी देखिए दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है उसके अंदर भी है चैप्टर नहीं है प्राचीन भारत का, सेम बिल्कुल सेम कंटेक्स्ट है जैसे इसके अंदर है वैसे सेम यदि आधुनिक भारत का, सिर्फ ये शुरू के 1 से लेकर 10 पेजेस भी चेंज है, अन्यथा बुक्स के अंदर कोई चेंज नहीं। इन तीनों नोट्स की हम बात करते हैं तो बात करते हैं कैसे कैसे लिखा गया और आपके लिए कैसे हेल्पफुल रहेंगे। देख सकते हैं आप इस स्टेप्स आप चैप्टर पढ़ेंगे प्राचीन साक्ष्य ओल्डेस्ट एविडेंस दे ह्यूमंस के बारे में मोनेट्स के बारे में यहाँ बता रखा कैसे कैसे हुआ पूरा पाषाण काल के यहाँ पर ऐसा पढ़ सकते हैं चॉपर ऑफ हैंडेक्स। तो यहाँ पे आपको बहुत ब्रीफली जैसे कि आप गुफा चित्र हो गया भीमबेटका भोपाल यहाँ पे आपको बाइलिंगुअल मिल जाता है जैसे कि आप देख सकते हो उसके ऊपर या नीचे आपको हिंदी इंग्लिश में दोनों जगह चीज़ें मिल जाती हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है तीनों किताब के अंदर, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ और आप मैं अच्छे से बता दूँ जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ये नपठन काल आपका चल रहा है तो इसमें साइड बहुत कम दे रखी है सिर्फ मेहरगढ़ यहाँ पे और आपको कोल्डीवाही दे रखी है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पेजेस पे आपका सिंडस वैली स्टार्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा इसमें ब्रीफली कम दे रखी है जो कि आपके नेट पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए सफिशियंट नहीं है। आप इनसे यही सीख सकते हैं कि नोट्स के अंदर क्या क्या कमियाँ हैं, आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं फिर इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मेंशन करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लिस्ट हो जाएंगी समझने में, तो आप इनसे हेल्प ले सकते हैं नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ पढ़े साइट्स के बारे में यहाँ दे रखा है क्योंकि एग्ज़ाम जैसे कि नेट जेआरएफ में आ रहे हैं आपका 28 फरवरी को और 16 जून को जो एग्ज़ाम हुआ उसमें काफ़ी सारे बच्चे सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि आपके एग्ज़ाम के कंटेक्स्ट के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे कि एग्ज़ाम कैसा है उसके रिलेवेंट चीज़ें हो नहीं पा रही तो काफ़ी सारे बच्चों का एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाया फ्रेंड्स। तो मैंने इस चीज़ को महसूस किया इसमें बहुत सारी चीज़ें कम दे रखी हैं इनकी तरह कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट नहीं होने के। इसमें आप चीज़ें सीख सकते हैं कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें, यदि आप किसी ने एकेडमी ज्वाइन नहीं कर रखी है और अपना अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उसे ये चीज़ें पता चल जाती हैं नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। मैं और कुछ आपको इसमें दिखा देता हूँ दिल्ली सल्तनत के टॉपिक्स भी, यहाँ पर आप दिल्ली सल्तनत पढ़ सकते हैं स्टार्ट होगी, यहाँ पर भी आपको नहीं मिलता जो मध्यकालीन भारतीय स्रोत हैं वैसे इसके अंदर भी आपको नहीं मिलता। तो कोई भी आप बुक परचेस कर सकते हैं सेम ही दे रखा है, यदि आपको नोट्स बनाना सीखना चाहते हो तो राइटिंग इस वाले नोट्स की ज़्यादा बेटर है स्प्रिंग बोर्ड्स की, बाकी सेम कंटेंट है आप पढ़ सकते हैं अच्छे से पढ़ेंगे आप चीज़ अपना आप समझ में, वीडियो पोस्ट करके आप नोट बनाना सीख जाएंगे फ्रेंड्स अच्छे तरीके से सीख जाएंगे, ठीक है। और मैं कुछ चीज़ें आपको और दिखा देता हूँ लास्ट में आपका आधुनिक भारत से भी आप पढ़ सकते हैं चीज़ें यहाँ पर क्योंकि इसके अंदर साइड में चैप्टर नहीं उसकी हेडिंग मिल जाती है तो इसमें सेपरेट नहीं दे रखा और ढूंढने में आपको दिक्कत हो सकती है, तो अपना आप भी चार ट्रैक्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बुक्स सिर्फ एक आपके लिए रूपरेखा बना सकती है कि आप नोट्स कैसे बनाएं, उसके लिए ज़्यादा आपके लिए हेल्प नहीं रहेगी क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखी गई है क्योंकि आपका एग्ज़ाम नेट जेआरएफ का टीजीटी पीजीटी का है, ये सिर्फ जो लिखी गई है एसएससी के पर्पज़ से लिखी गई है तो आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। ये मेरा जो खुद का अनुभव है उसके अकॉर्डिंग आपको बताया, आप परचेस करना चाह सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जो मैंने जो चैनल मेरा जो मोटिव रहता है कि आप कोई बुक परचेस करते हैं उसके पहले आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन मिल जाए मेरा जो मेन मोटिव है वो है। इसके अलावा आपको हिस्ट्री से बुक का रिव्यू चाहिए आप हमसे बता सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप हिस्ट्री नेट जेआरएफ से जुड़ सकते हैं। आप सभी धन्यवाद, दिल से आभार।